65,000 में आपको यहाँ पे मिलने वाली है हार्ले डेविडसन स्टेट 750। फिर इसके अंदर कुछ खास बात है, बिल्कुल इसमें पावर टोनिक लगा हुआ है। इस बाइक के अंदर पावर टोनिक लगा हुआ है, ये रहा। सिर्फ 1100 चली है, सिर्फ 1100। इनकी बाइक में कोई दिक्कत है तो 15 दिन के अंदर भैया पैसे के सारे पैसे यही टेबल वापस रखेंगे, बाइक वापस ले लेंगे आपसे। 100% गारंटी दे रहे हैं भैया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद हम मार्केटिंग ब्लॉग में वापस आए हैं यहाँ पे। तो आज हम आपको बहुत बढ़िया कंटेंट दिखाने वाले हैं। तो वैसे तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हमारा आज का कंटेंट क्या होने वाला है। तो हम जितनी बाइक्स खड़ी हैं सभी का आपको डिटेल्स और इनकी प्राइसिंग बताने वाले, तो इन सबकी डिटेल और प्राइसिंग हमें बताएंगे नितिन भाई। नितिन भाई, क्या हाल है आपके? तो भाई आप इन सभी बाइक्स के बारे में बताने वाले हो। नितिन भाई, आज का जो यूथ है ना, उनको चाहिए सिर्फ KTM, R5 या ऐसी स्पोर्ट बाइक चाहिए। तो हमें काम करते हैं, जो बुलेट है इनका कंटेंट हम अलग से निकालेंगे अगर पब्लिक डिमांड करेगी। तो आज एक काम करते हैं, जितने भी यहाँ पे KTM खड़ी है सब कवर करते हैं और उनकी डिटेल और पैसे वगैरह समझते हैं। चलिए चालू करें वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जावा की। तो भैया, जावा का क्या मॉडल है ये? ये भैया 2021 मॉडल है और 5000 किलोमीटर चली हुई है। इसकी डिमांड हमने रखी है 2,05,000। 2,05,000 इसकी डिमांड है। 2021 मॉडल है, आपके सामने खड़ी है, एकदम A1 कंडीशन में बाइक है ये, कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं है। और एक्सेसरी भी लगी हुई है गाड़ी के अंदर, जैसे कि गाड़ी के अंदर छोटी मोटी एक्सेसरीज भी लग रखी है, जैसे कि ये साइड मिरर्स, यहाँ पे मास्टर सिलेंडर कैप, रेडिएटर ग्रिल और भी काफ़ी कुछ आपको स्पेक में देखने को मिलने वाला है। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ठीक साथ MP15 की। जी भैया, ये 2021 मॉडल है, इसकी डिमांड हमने 1,55,000 की रखी है और ये 10,000 किलोमीटर। तो 2021 मॉडल MP15 जिसकी डिमांड है 1,55,000। तो 1,55,000 इसकी डिमांड है और यहाँ पे वालिया मोटर्स पे खड़ी है, आइए और ले जाइए यहाँ पे आके। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके ठीक साथ खड़ी है द बीस्ट हार्ले डेविडसन स्टेट 750। तो भाई, जिनकी हाइट छोटी होती है, जिनके पैर नहीं लग पाते मगर उनको सुपर बाइक्स का शौक है, तो भाई उनके लिए ये बाइक बहुत सही है। अब मेरी भी हाइट सिर्फ 5'8" है, तो मेरे पैर इसमें ऐसे आ रहे हैं। देखो, अगर नॉर्मल रहो तो नॉर्मल कैसे खड़ा हो सकता उसके अंदर। तो ये बाइक बहुत ज़्यादा प्यारी है, एकदम साफ कंडीशन में। यहाँ पे अगर देख सकते हो बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं है। पास लाओ कैमरा। तो गाड़ी में कहीं पे भी कोई स्क्रैच नहीं है। देखो, तो 3,65,000 में आपको यहाँ पे मिलने वाली है हार्ले डेविडसन स्टेट 750। तो भैया, इसके बारे में बात करें अगर तुम, ये भैया 2017 मॉडल है, 2017 मॉडल की बाइक है ये। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ड्यूक 390 की। तो ये भैया 2021 मॉडल है, 21 मॉडल है। तो इसकी डिमांड हमने 3,00,000 रुपये रखी हुई है, 21 लाख की है और ये कोई 2700 किलोमीटर चली हुई है। तो 2021 की बाइक है, इसकी डिमांड 3,00,000 रुपये, जो कि नेगोशिएबल होगी ऑन द टेबल अगर आप आओगे तो। और ये गाड़ी एकदम साफ है, मतलब एकदम ब्रांड न्यू से बोलते हैं वो, ये गाड़ी आपके सामने आपको दिखने वाली है। तो जैसी बाइक आपको वीडियो में दिख रही है, रियलिटी में अगर आप सामने से देखो तो आपको और ज़्यादा साफ दिखने वाली है गाड़ी। गाड़ी में सारा प्रॉपर सामान लग रखा है, इसके जैसे टायर हगर, इसकी टेल लाइट, ये सब ओरिजिनल लगा हुआ, लाइक एकदम शोरूम कंडीशन बाइक लग रही है यहाँ पे। तो उसके ठीक साथ दोबारा खड़ी है हमारी ड्यूक 390 जो कि 2018 मॉडल है। तो उसका प्राइस रेंज क्या है भैया? ये है 2,10,000 इसका प्राइस रेंज है, क्योंकि नेगोशिएबल होगा और आप ऑन द टेबल आओगे तो उसमें भी सारी एक्सेसरीज लग रही है। इसमें भी सारी की सारी एक्सेसरीज लगी हुई है, टायर हगर, टेल टाइडी और इसके जो बैक मिरर्स है वो भी लगे हुए हैं इसके अंदर। जो इसके अंदर बैक मिरर्स नहीं है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे ये अगर आप यहाँ पे आओगे तो। उसके बाद हम इसका प्राइस रेंज क्या था भैया? 2,10,000। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्यूक 390 में एक और देखने को मिल रही है, मगर इसके अंदर कुछ खास बात है। बिल्कुल, इसमें पावर टोनिक लगा हुआ है। इस बाइक के अंदर पावर टोनिक लगा हुआ है, ये रहा देख सकते हो आप। तो ये रहा पावर टोनिक का स्विच यहाँ पे। RPM पूरा 12,000 जाता है। तो 1,90,000 इसकी डिमांड है। इसमें आपको क्विक शिफ्टर और पावर टोनिक मिलने वाला है, जो कि ड्यूक 390 के अंदर क्विक शिफ्टर और पावर टोनिक होना, मतलब आप समझ लो पूरा भवाल इसका, पूरा RPM जो अनलॉक है। साथ में 40,000 किलोमीटर चली है, थोड़ी ज़्यादा चली है मगर भैया कह रहे हैं एकदम ओरिजिनल चली है, तो जाहिर सी बात है 40 चली है तो ओरिजिनल ही चली होगी। तो पावर टोनिक्स की जो वायर है सारी यहाँ दिख रही है आपको, और इस बाइक के अंदर भी टायर हगर और टेल टाइडी सब लगा हुआ है। तो मतलब बाइक जो है कुछ ऐसा नहीं है कि खचरी बोलते हैं जैसे लोग कि वैसी बाइक होगी, ऐसा नहीं है। ये काम पावर टोनिक वाले काम तो जाहिर से बात है सर जो राइडर लोग होते हैं वही लगाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे खड़ी हमारे पास ड्यूक 125। बिल्कुल 125 2019 मॉडल है इसका,
और इसकी हमने डिमांड रखी है 1,29,000 रुपये 129। इसका जो प्राइस रेंज है 1,29,000 ओनली। तो भैया इसका जो किलोमीटर है वो कितने हैं? किलोमीटर ही कोई 7,000 किलोमीटर चली हुई है। 7,000 किलोमीटर चली हुई है, टायर्स की कंडीशन भी ठीक है इसकी, और 2019 का ये मॉडल है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा R15 का स्टॉक खड़ा हुआ है, R15 वर्जन 2, R15 वर्जन 4, M और 3, मतलब सारी R15 हमारे पास यहाँ खड़ी हुई है। और यहाँ पे हमारे पास खड़ी है एक RC390, KTM 200 और RC200। तो भैया अगर हम यहाँ पे बात करें RC200 की, तो ये कौन सा मॉडल है? 200 2021 मॉडल है। 2021 का ये मॉडल है। इसका प्राइस रेंज क्या जाने वाला है? ये 2 लाख रुपये की है, 2 लैक्स। तो 2021 मॉडल जिसका प्राइस होने वाला है 2 लाख रुपए। और आपके सामने मैं आपको पूरी बाइक दिखा रहा हूँ, धूली नहीं है, थोड़ी मिट्टी विट्टी हो रखी है क्योंकि बरसात का मौसम है, ऊपर नहीं मौसम साफ है। कोई बात नहीं, मतलब बरसात वगैरह होती रहती है यहाँ पे। तो ये मेरे यहाँ पे हल्का सा टूटा हुआ है, मेरे ख्याल से किराया गया है, तो आप ठीक करवा के दोगे साथ में? तो भैया सारा मिरर जो है इसका सारा काम करवा के देंगे। RC390 मतलब BS6 वाली, BS6 2020 मॉडल है और इसकी डिमांड हमने 2,42,000 रुपये रखी है। तो 2,42,000 इसकी डिमांड है, 2020 मॉडल है ये। तो गाड़ी एकदम साफ है, गाड़ी में टायर हगर लगा हुआ है, टेल टाइडी लगी हुई है इसकी, ओरिजिनल कंपनी फिट वाली, और इसके अंदर कोई कलाकारी नहीं कर रखी। जैसे हमने अपना DB ग्रेड निकाला हुआ है, इसका DB ग्रेड लगा हुआ है, गाड़ी एकदम ऑल गुड है, इसमें फ्रेम स्लाइडर भी लग रखे हैं और गाड़ी एकदम साफ है। ये जो रेड एंड ग्रे कलर में 2019 मॉडल है और इसकी डिमांड हमने 1,42,000 रुपये रखी है। तो रेड एंड ग्रे कलर इसकी जो डिमांड है 1,42,000 इसकी डिमांड है, 1,42,000। क्योंकि BS4 वर्जन है ये, BS3 तो BS3 आपको यहाँ मिलने वाला है भाई। BS3 की आपको पावर मालूम है कैसी है, जो कि इसका कंपनी के स्टिकर्स भी लग रखे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर भी खिलवाड़ नहीं हुई है, इसका टायर हगर लगा हुआ है, इसकी ओरिजिनल टेल डाडी लग रखी है, सब कुछ कंपनी फिट लगा हुआ है। कहीं पर भी गाड़ी में जो स्क्रैच दिख नहीं रहा, अगर आपको दिखे तो आप कमेंट में बताना कि भाई यहाँ स्क्रैच था, आप बताना भूल गए हो। ब्लैक कलर में है, R15 2021 मॉडल है और इसकी डिमांड हमने 1,58,000 की रखी है। ये कोई 8,000 किलोमीटर चली हुई है, 8,000 किलोमीटर चली है। 2021 मॉडल है ये, किस मॉडल है ये? हाँ जी, 21 मॉडल, 2021 मॉडल आपको यहाँ खड़ा हुआ मिल रहा है। तो आइए यहाँ पे आके देखिए, सभी गाड़ी की नंबर प्लेट्स आपको मैंने विजिबल की है वीडियो के अंदर, अगर आपने सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास खड़ी हुई एकदम ब्रांड न्यू R15 M। तो भैया इसके बारे में बताइए। ये 2022 मॉडल है, इसी साल का, जो 4-5 महीने पुरानी है और ये 2700 किलोमीटर चली हुई है। गाड़ी की डिमांड है 198 की डिमांड है इसकी। तो 198 की डिमांड है सिर्फ, कितना किलोमीटर चली है ये? 2700 किलोमीटर चली है सिर्फ ये। और तो और ये R15 M के अंदर आपको क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ मिलने वाला है, सिर्फ छोटी सी बीस्ट के अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये भी 2022 मॉडल है इसी साल का और ये 1100 किलोमीटर चली है, 1100 किलोमीटर चली है और इसकी डिमांड हमने सेम प्राइस रखी है 198। तो 198 की इसकी डिमांड है और सिर्फ 1100 चली है, सिर्फ 1100, मतलब कि बंदे ने सिर्फ हफ्ता चलाई होगी, हफ्ता चला के यहाँ खड़ी कर दी है गाड़ी। तो भाई एक हफ्ता चला के गाड़ी लड़के ने खड़ी की है यहाँ पे। रेड कलर है, लिमिटेड एडिशन है ये वाला। आइए वाले मोटर्स पर आइए और गाड़ी उठाइए और ले जाइए। नेगोशिएबल है प्राइस इसका? बिल्कुल नेगोशिएबल, इसका प्राइस नेगोशिएबल है। इसका पहला ओनर है, 1100 किलोमीटर चली हुई है और इसकी सारी जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं सबकी दोनों की अवेलेबल होंगी? बिल्कुल, तो सभी की दोनों की अवेलेबल होंगी। अभी तक हमने जितनी गाड़ी दिखाई है फिलहाल इन दोनों की तो है, और मतलब जिनके नहीं होगी उनकी आप प्रोवाइड करवा दोगे ना? प्रोवाइड करवा देंगे उनकी, आप उनकी ये प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 2014 मॉडल की R15 वर्जन 2। ये 2014 मॉडल है वर्जन 2, इसकी डिमांड हमने रखी है 55,000। सिर्फ 55,000 में आपको यहाँ पे R15 वर्जन 2 मिलने वाली है। बस खड़ी है 2021 की अवेंजर 160 और ये 2021 मॉडल है, इसकी डिमांड हमने 1,05,000 की रखी हुई है। इसके अंदर काफ़ी एसेसरी लगी हुई है, जैसे कि वाइब्रेट गार्ड लगा हुआ है, साइड मिरर्स लगे हुए हैं और ये साथ में इसका मास्टर सिलेंडर का कैप लगा हुआ है और गाड़ी एकदम न्यू कंडीशन में, इंजन एकदम साफ है इसका, कहीं पे मुझे कुछ नहीं लग रहा, इसके चैन भी ठीक है एकदम। तो भाई यहाँ पे ना बहुत सारी हमारे पास रॉयल एनफील्ड खड़ी हुई है, ये देखो सारी की सारी रॉयल एनफील्ड है, ऊपर भी रॉयल एनफील्ड है, सारी क्लासिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा सब खड़ी हुई है, उधर साइड भी खड़ी है, मैं जूम करके दिखाऊँ तो। मगर इस सभी वीडियो को, मतलब इन सभी बाइक्स को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ये देखो
ऐसे इंजन बोलते हैं। अगर आप रॉयल एनफील्ड लवर हो तो आप एक काम कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और लिखिए, डिमांड कीजिए, तो हम अगला वीडियो सिर्फ और सिर्फ रॉयल एनफील्ड के ऊपर ही लाने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो था हमारा सिर्फ KTM के ऊपर, R5 के ऊपर, इन बाइक्स के ऊपर था, मतलब सिर्फ स्पोर्ट बाइक के ऊपर था हमारा कंटेंट आज का। तो बुलेट का कंटेंट जितने भी रॉयल एनफील्ड है उनको हम दोबारा लाएंगे, अलग पार्ट में लाएंगे। इसी पार्ट के अंदर हम सभी फलूदा नहीं बनाना चाहते, मतलब सारा जो कहते हैं ना फलूदा बन जाते हैं, तो वो नहीं करना, हमने अलग अलग पार्ट निकालेंगे। अभी जो ये वीडियो जिस कंटेंट के ऊपर है उसे कंटेंट के ऊपर रखेंगे। तो भैया आप एक बात बताओ, ये जितनी हमने बाइक से भी देखी है सारी सिंगल ओनर थी, फर्स्ट ओनर, अभी तक जितनी भी बाइक थी सारी की सारी फर्स्ट ओनर बाइक्स है। तो अगर किसी को यहाँ पे EMI करवानी हो तो फाइनेंस बिल्कुल हो जाएगा, पर आपको अभी तक जितनी भी बाइक दिखाई कम से कम 30 से लेकर 40 हज़ार की डाउन पेमेंट देके ले जा सकते हो। तो 30 से 40 हज़ार की डाउन पेमेंट में आप सारी बाइक्स लेके जा सकते हो। और वो हार्ले की मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होगी? हार्ले की मिनिमम डाउन पेमेंट होगी ये कोई सवाल ना, सवाल आप, तो सवाल आप की डाउन पेमेंट आप यहाँ पे हार्ले लेके जा सकते हो। और दूसरी मेन बात, वाले मोटर से परचेज करने पे गारंटी देते हैं 15 डेज मनी बैक की गारंटी है। अगर हमारी गाड़ी ले जाने के बाद 15 दिन भी आप कंपनी जाके चेक कराना चाहते हो तो कंपनी जाके चेक करा लो, या कोई आपका पर्सनल कोई मैकेनिक है वहाँ जाके चेक करा लो। अगर आपका मैकेनिक या कंपनी वाले बोल देते हैं गाड़ी एक्सीडेंटल है, इंजन खुला हुआ है, खुलने वाला है या रिफंड है, तो 15 दिन चलाने के बाद भी पूरे पैसे रिफंड है, मीटर की भी गारंटी है। तो 15 दिन के बाद भी आपको सारे पैसे वापस मिलने वाले, ये गारंटी मेरे ख्याल से मार्केट में कोई और नहीं देने वाला, जो कि भैया आपको गारंटी दे रहे हैं। यहाँ पे हर डीलर ऐसे बोलते हैं कि भाई हमसे बाइक ले लिए, लेके निकाल दिए, तो अब हम बाइक वापस नहीं लेंगे। मगर भैया ऑन दी वीडियो बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसे कंप्लेंट मिलती है कि आपकी बाइक का इंजन खुला हुआ है, इनकी बाइक में कोई दिक्कत है, तो 15 दिन के अंदर भैया पैसे के सारे पैसे यहीं टेबल वापस रखेंगे, बाइक वापस ले लेंगे आपसे, 100% गारंटी दे रहे हैं भैया। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया ये। तो बाकी भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्या करना? सब्सक्राइब, दोबारा बोलो सब्सक्राइब। अरे कहना क्या चाहते हो? सब्सक्राइब, हाँ। yes. तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, तो हम मिलते हैं आपको इसी के रॉयल एनफील्ड के सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्दी, अगर आप कमेंट करोगे तो चलो फिर चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।